ये जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी किया है सॉल्व, तो किस तरीके से जो डिफरेंट मल्टीपल चार्जेस थे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे थे। तो हमने फिलहाल यहाँ पर क्या निकालने की कोशिश की, हमने फिलहाल यहाँ पर यह निकालने की कोशिश की कि ये जो ओरिजिन पर 1 कूलम कोई चार्ज है, 4 कूलम वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला 4 कूलम वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहा है, जो बैठा हुआ है और दूर यानी जो भी आस पास जितने भी चार्जेस हैं सब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सुपरपोजिशन। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। ठीक है, तो सुपरपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी फोर्सेस हैं जो मल्टीपल चार्जेस की वजह से जितने भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम करते हैं। कौन सा सम करते हैं? वेक्टर सम। वेक्टर सम यानी सारे फोर्सेस को ऐड करना है, लेकिन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से कि अगर अपोजिट फोर्स है, अगर अपोजिट फोर्स है तो वेक्टर सम करेंगे, अगर ये वाला प्लस में फोर्स है तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन पे फोर्स है तो वेक्टर सम करेंगे तो दोनों भी फोर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, कोई पर्टिकुलर एंगल के बीच में कि आप किसी बॉडी में को इस तरीके से खींच रहे हो, ठीक है, बी वाला किसी बॉडी को इस तरीके से खींच रहा है, जैसे पर्सन ए पर्सन बी, तो इसका हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। तो अब इसका वेक्टर सम कैसे करेंगे? हम निकालेंगे रिजल्टेंट। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। भाई यहाँ पर तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन था, दोनों फोर्स को हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन था, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, क्या होगा अगर कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है? क्या होगा कि फोर्स एक ऊपर खींच रहा है और एक हॉरिजॉन्टली खींच रहा है, तब उस बॉडी में क्या असर पड़ेगा? सोचो ज़रा, वो बॉडी में नेट फोर्स क्या होगा, उस बॉडी में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो वेक्टर सम का मतलब ही क्या हुआ कि हमें इसका वेक्टर एडिशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें वेक्टर कैसे निकालोगे बोलो, दो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे बोलो? हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है क्लास 11 में? वेक्टर पढ़ा है हम लोगों ने, क्लास 11 में वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कि समझो कोई एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, ठीक है, v1, कोई एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन v2, हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? इन दोनों के बीच में आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट फोर्स, कोई भी आप वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो सर रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे? क्या ऐसे एरो दिखाने थोड़ी ना वैल्यू आ गई? एरो दिखाने तो वैल्यू थोड़ी ना आ रही है, हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे सर? तो वैसे तो 11 में सीखा है, काफ़ी सीखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे कोई फोर्स F1 इस डायरेक्शन में है, कोई फोर्स F2 इस डायरेक्शन पे, बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, किसी बॉडी को इस तरह खींचा जा रहा है फोर्स लगा के, उसी बॉडी को एक और रस्सी से इस तरीके से खींचा जा रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी? ये बॉडी कहाँ जाएगी? तो कहीं ना कहीं से इन दोनों के बीच में इसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यानी कि F1 और F2 के बीच में हमें नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालना कैसे पड़ेगा? तो ये नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमने देखो एक ट्रिग्नोमेट्री में भी किया हुआ है। देखो अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। तो फोर्स नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, आवाज़ और कम कर रही हो, तो अब ये सवाल है कि रिजल्टेंट फोर्स हमें कैसे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखो, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, यानी एफ नेट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी 2F1 F2 cos थीटा। ओके,
जैसे कि एक बॉडी यहाँ पर, ठीक है, फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो 20 न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, चलो यहाँ 10 न्यूटन ले लो, यहाँ पर भी कितना है 10 न्यूटन का फोर्स है। अब बीच में एंगल कितना है, बीच में एंगल ले लो आप, चलो 60 डिग्री ले लो, 60 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ नेट निकालना है कि इस बॉडी में, यानी कोई पर्सन इधर से खींच रहा है, दूसरा पर्सन बॉडी को इधर से खींच रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी या इस बॉडी में कहाँ फोर्स या कितना फोर्स लग रहा है। भाई अगर एक दूसरे का इक्वल और अपोजिट होता तब तो कैंसिल हो जाता, इतनी सी फीलिंग आप समझ गए होगे, यहाँ से भी 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बॉडी कहीं नहीं जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख, दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे ना, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, बीच में 60 डिग्री है। तो जिस फॉर्मूले से हम लोग एफ नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसकी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जितने भी फोर्स थे वो सेम डायरेक्शन पे थे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेम डायरेक्शन के लिए आपने डायरेक्ट ऐड कर लिया था, डायरेक्ट ऐड कर लिया था, ठीक है। ठीक है, तो चलो वैल्यू को पुट करो, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, वापस F2 का स्क्वायर, यानी ये F2 हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया F2, 100 10 का स्क्वायर प्लस 2F1F2, 2 × 10 × 10, फिर cos थीटा, cos है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, 1/2, ठीक है। चलो 100 + 100 200, और 10 × 10 ये भी 200 हो गया, यानी 400 इंटू 1/2, 1/2 क्यों, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, करेक्ट। तो ये हो गया अंडर रूट 200 को हम स्प्लिट करेंगे 2 × 100 में, बाहर आ जाएगा 100 10 बन के, अंदर बचेगा रूट टू न्यूटन, ठीक है। यानी इस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है 10 और 10 20 नहीं लग रहा है, 10 और 10 20 नहीं लग रहा है, 10 × √2 लग रहा है, 20 से कम लग रहा है, 20 न्यूटन से कम लग रहा है। अगर ऐसे होती कंडीशन 10 न्यूटन, तब तो हम बोलते हैं 20 न्यूटन लग रहा है बॉडी पर, एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन है, लेकिन एंगल की वजह से 20 न्यूटन से कम हो गया है, क्योंकि कोई फोर्स उधर खींच रहा है, कोई डायरेक्शन फोर्स का इधर है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। अगर सेम डायरेक्शन होता यानी कि ऐसे डायरेक्शन होता सेम, तो यानी बीच में एंगल कितना है बोलो, 0 डिग्री है, दो लाइन पैरेलल है, तो एंगल कितना है सेम डायरेक्शन पे, 0 डिग्री है, तो कॉस में यहाँ क्या लिखते हैं, 0 डिग्री लिखते हैं, तो 0 डिग्री कितना हो जाता, 1 cos 0° 1 होता, तो यहाँ पे 200 × 1 होता, टोटल आंसर आया तो 400 को बाहर निकालते 20 न्यूटन आ जाता सेम डायरेक्शन पर। यानी इसी फॉर्मूले से सेम डायरेक्शन का भी निकाल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन का भी निकाल सकते हो, तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की इतनी मेंटल मैथ तो हमारे पास है कि सेम डायरेक्शन रहा तो कॉस 0 होता है, और दोनों फोर्स ऐड कर दो, 10 और 10 20 न्यूटन, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन है और सेम फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन है सेम फोर्स है तो कैंसिल कर दो, अपोजिट डायरेक्शन है, एक में 20 न्यूटन है और एक 10 न्यूटन है तो माइनस कर दो डायरेक्ट। अगर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन इधर लगा रहा 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ओवरऑल 10 न्यूटन होगा, बीच में तो माइनस 10 कर देंगे डायरेक्ट, अगर एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। लेकिन अपोजिट या सेम डायरेक्शन नहीं हुए तो आपको फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो इतना नोट कर लो, और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है इसको तो मुझे लगता है 2 या 3 बार तो देखना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, ओके। सो मैं ये समझा रहा था कि एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन हुआ
टेंशन नहीं है, माइनस कर देंगे 20, 10, 25 जो भी हो माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन हुआ तो ऐड कर देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और अलग अलग डायरेक्शन हुए तो आपको फिर अंडर रूट वाला पूरा फॉर्मूला मारना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तब आप उतनी मेंटल मैथ नहीं कर पाओगे। सही है, सही है। तो जब दो कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, जब दो कंपोनेंट अलग अलग होते हैं तो हम रिजल्टेंट इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, ये वैसा ही है जब कोई ऑलरेडी रिजल्टेंट होता है, कोई ऑलरेडी रिजल्टेंट होता है, जैसे रिजल्टेंट है, हमें दो कंपोनेंट अलग अलग निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, एक को ले लिया, समझो फोर्स है f sin थीटा, और जहाँ पे एंगल बन एंगल से देख रहे हैं वहाँ ले लिया f cos थीटा। तो ये होता है अलग अलग करने का फॉर्मूला, हम इस तरह अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सो ठीक इसी तरीके से सुपरपोजिशन बेस पर ही हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन तुम्हारे पास चार्जेस रखे हुए हैं, तीन चार्जेस, यहाँ पर है प्लस का 10 माइक्रो कूलम, यहाँ पर है माइनस का 10 माइक्रो कूलम, ओके, और यहाँ पर है प्लस का 5 माइक्रो कूलम। इस तरीके से तीन चार्जेस रखे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पर, कैसे ट्राइंगल पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो उसकी सुपर पोजिशन है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब आपस में जो फोर्स की लाइन जो बन रही है वो 60 डिग्री ईस्ट पे बन रही है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स, फोर्स ए बी सी, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, हमें फोर्स निकालना है ए पर, हमें फोर्स कितने निकालना है, ए पर निकालना है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ए बी सी करेक्ट, और एंगल कितना है 60 डिग्री ईच है, ये ऊपर देख लो, मैं इसमें ये नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर है 10 माइक्रो कूलम प्लस का, यहाँ पर है माइनस का 10 माइक्रो कूलम, यहाँ पर है प्लस का 5 माइक्रो कूलम। अब तुम्हें यह बताना है कि इस ए पर, इस ए वाले चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है, कितना नेट फोर्स लग रहा है, देखो देखो भाई, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, यानी कि हमें निकालना है फोर्स ऑन ए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमें ए का निकालना है, हमें रिजल्टेंट फोर्स किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो बी वाला ए को भगा रहा होगा, है ना, बी वाला ए को ऐसे करके भगा रहा होगा, ये बी वाला इस ए पर ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, हाँ या ना, यस सर। अब इसमें देखो, इन दोनों में एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव, यानी ये माइनस 10 वाला और इधर प्लस 5 वाले में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, माइनस 10 वाला इसको खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 वाला इसको भगा रहा है ए को, रिपल्सिव फोर्स, ये एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, ये एरो से ही सारा खेल होगा, ये एरो से ही सारा खेल होगा, ठीक है, ये 10 वाला यानी सी पर 5 वाले फोर्स को खींच रहा होगा, सी वाला ए को खींच रहा होगा, ठीक है, इसको दे दो तुम F1, इसको दे दो तुम F2, ठीक है ना। अब देख लो वहीं पर आ गए घूम फिर कर इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि कोई बॉडी है, एक फोर्थ ऐसे खींच रही है, एक फोर्थ ऐसे खींच रहा है, तो हमें बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सर आपने फॉर्मूला तो बहुत ज़बरदस्त बताया हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इज इक्वल टू F1, एक फोर्स ये F1 का स्क्वायर प्लस F2 F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा,
ओके सर, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब ये लाइन और ये फोर्स की लाइन के बीच का एंगल। सर थीटा तो हमें है ही नहीं, एंगल हमें पता नहीं है। तो ये आपको लग रहा है पता नहीं है आपको, एक्चुअली पता है, इन्फॉर्मेशन गिवेन है इनडायरेक्टली। भाई ये मैंने कहा था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है, ये लाइन एक है, ये वाला 60 है, स्ट्रेट लाइन वाले एंगल से बाजू वाला 120 हो जाएगा, टोटल 180 एक लाइन पर एंगल बने हुए। तो सर कॉस थीटा तो हमें मालूम पड़ गया 120 डिग्री है। अब सवाल है सर F1 और F2 क्या है? F1 F2 तो कूलम लॉ से निकाल ही लोगे, F1 एंड F2 कूलम लॉ से निकाल लोगे भाई। F1 फॉर्मूला कैसे लगाओगे F1 का? अभी तक कूलम लॉ कैसे लगा रहे थे हम लोग? F1 इज इक्वल टू बोलो K मतलब 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। सो के Q1 कितना है? 10 ले लो Q1 को, इसको 2 ले लो, जिसको चाहे इसको ले लो, 10 × 2 = 5। यहाँ पे प्लस माइनस देने की ज़रूरत नहीं है। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखो तुम्हें दिया हुआ है क्या? हाँ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर 5 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। सर -2 क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, हमें मीटर में बदलना है। आगे बात समझ में? तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया? यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा F1। तो ठीक इसी तरह F2 भी निकाल देंगे। Q1 कितना है? चलो इसी को Q1 ले ले रहे हैं, ठीक है। 5 × Q2 कितना है? 10 / r², ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब 5 सेंटीमीटर चारों तरफ रहेगा का स्क्वायर। आई बात समझ में? ये निकल जाएगा F2। K की वैल्यू रख देना 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना। K की वैल्यू तुम लोग रख सकते हो। तो यहाँ से आ गया F2, ठीक है। अब यहाँ पर F1 और F2 यहाँ पे वैल्यू डाल देना, F1 का स्क्वायर कर देना, F2 का स्क्वायर कर देना, 2F1 F2 कर देना और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो F1 निकाला है, ठीक है ना। हाँ 10⁻⁶ भी है क्योंकि माइक्रो कूलम की बात हो रही है। वेरी सॉरी, 5 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻⁶। इसके लिए भी -6 देंगे 10⁻, इसके लिए भी 10⁻⁶ देंगे, इसके लिए भी 10⁻⁶ देंगे क्योंकि माइक्रो कूलम की बात हो रही है। हमें कन्वर्ट करना है कूलम में, तो क्या कर देंगे? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूरा निकाला गया है F1 F2, दिखा रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, और मैंने करके भी दिखा दिया, सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं किया है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि सिंप्लीफाई कोशिश क्या करो, आप लोग खुद करो, सिंप्लीफाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 180 न्यूटन। इसी तरह F2 निकाल लिया हम लोगों ने, F1 निकाला 180, और इसी तरह यहाँ पर देखो F2 शायद निकाला है, कहाँ निकाला है F2? ठीक है, तो F2 इसमें सिंप्लीफाई नहीं है, तो F2 भी ठीक इसी तरीके से आप निकाल लोगे। F2 कैसे निकालोगे? सेम तरीके से तुम्हें किसका देख रहा था? तुम्हें 5 और 10 के बीच में देखना है, ये 5 और 10 के बीच में देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 5 और 10 था, यहाँ पर भी 5 और 10 था, और डिस्टेंस भी वही है, सेम डिस्टेंस भी सेम है, तो आंसर वही आने वाला है। यानी ये भी कितना आने वाला है? 180 न्यूटन ही आने वाला है ना। कुछ भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, 5 10, पहले भी 5 और 10 था, डिस्टेंस 5, यहाँ पर भी डिस्टेंस 5 है, तो आंसर कितना आएगा? 180 न्यूटन आएगा। F2 भी 180 न्यूटन आ जाएगा, करेक्ट। तो अब ये फॉर्मूले में तुम्हें क्या करना है? एग्जीक्यूट कर देना है। रिजल्टेंट फोर्स यानी F1 मिल गया, F2 मिल गया, ये भी 180 न्यूटन, ये भी 180 न्यूटन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। 180 है ये, F1 का स्क्वायर
प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा, कॉस कितना था 120 डिग्री था, ये मैंने बताया तो 120 डिग्री था, ठीक है ना। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस की 1/2 होती है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस की 120 डिग्री होती है, ओहो माइनस की 1/2 होती है, ठीक है। इतना एक ट्रिग्नोमेट्री 11 का बेसिक आना चाहिए, नहीं तो जैसे कि 120 डिग्री है या 160 डिग्रीज है या कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ हैं साइन और कॉस के या टैन के, तो इसका लेक्चर में मेरे पास मतलब लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, तो लेक्चर है इसका कि जो ऐसे एंगल होते हैं जहाँ पर आपको, जहाँ पर टेबल जो आपने याद किया था ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक टेबल, उससे हट के कुछ एंगल्स हैं, तो उसे कैसे फाइंड करना है तो मुझे आप बता देना या पूछ लेना, तो मैं लेक्चर आपको भेज दूंगा कि कॉस 120 डिग्री माइनस का 1/2 क्यों आ रहा है। ठीक है मम्मा जी, ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक के, आ गया। तो ये हमने निकाल लिया रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया देख लो, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है 180 आ रहा है, क्योंकि 180 का स्क्वायर बच रहा है, स्क्वायर से रूट जाएगा, 180 आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया 180, ठीक है। ये माइनस का 1/2 है, 2 इधर कट जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक आंसर माइनस में आ जाएगा ना माइनस 1/2 से, माइनस 1/2 180 कट जाएगा बचेगा 180, ठीक है। 180 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट काट देना तो 180 आ जाएगा, ठीक है। ओके अब चलो एक कहानी तो हमें समझ में आ गई, एक कहानी समझ में आ गई कि यहाँ पे कुछ फोर्स था, यहाँ पे कुछ फोर्स था और रिजल्टेंट फोर्स 180 न्यूटन आ गया, 180 न्यूटन आ गया रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि डायरेक्शन बताओ इस रिजल्टेंट फोर्स की, इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताओ, क्या बताओ कि किस डायरेक्शन पे गया, भाई ओवरऑल तो इन दोनों से 120 डिग्री था, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन अगर पूछा जाए कि यार ये समझो F2 है, ये समझो F1 है, बताओ अच्छा F2 से, अगर F2 को हम बेस मान लें तो F2 से ये जो रिजल्टेंट F फोर्स रिजल्टेंट है उसका क्या डायरेक्शन है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है मतलब इस एंगल को मान लो बीटा, क्या एंगल मान लेंगे बीटा, तो फॉर्मूला हमारे पास है टैन बीटा इज इक्वल टू, देखो टैन बीटा इज इक्वल टू एफ टू साइन थीटा अपॉन एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने एफ टू लिया, सर एफ टू ही क्यों लिया, सर एफ टू ही क्यों लिया, क्योंकि हम जो डायरेक्शन जो बेस लाइन जो मान रहे हैं वह एफ टू को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं एफ टू को मान रहे हैं। फिर से समझो, देखो मैंने क्या कहा था, ये ट्राइंगल था, मतलब ट्राइंगल से मतलब है तीन अलग अलग चार्ज रखे हैं, वो सुपर पोजिशन में ट्राइंगल ये आ रही पोजिशन आ रही है, ये F1 हुआ, यहाँ पे F2 हुआ और इसके बीच में F रिजल्टेंट था। अगर हमें F रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो तुम्हें किसी एक फोर्स को बेस लाइन मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको बेस मान लिया और ये वाले थीटा, ये वाले एंगल को मान लिया बीटा, क्या मान लिया बीटा, तो कौन सी बेस लाइन ली F2 ली, तुम F1 भी ले सकते हो लेकिन मैंने F2 लिया है। अगर मैंने F2 लिया है, अब मुझे F2 से देखना है, F2 से देखना है कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जा रहा है, 30 डिग्री अवे जा रहा है, 45 डिग्री अवे जा रहा है, 60 डिग्री अवे जा रहा है, कितना अवे जा रहा है, तो इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है टेन बीटा। अगर हमने बेस लाइन F2 लिया है तो F2 इंटू साइन थीटा करेंगे, F2 इंटू साइन थीटा करेंगे। अगर बेस लाइन हमने F1 लिया होता तो हम बीटा फिर इधर मांगते, इधर बीटा मांगते, इधर बीटा मांगते, तो फिलहाल हमने क्या लिया है F2 लिया, F2 साइन थीटा, नीचे F1 प्लस F2 कॉस थीटा,
एफ टू से ही साइन थीटा का मल्टीप्लाई है, एफ टू से ही कॉस थीटा का मल्टीप्लाई है। तुम बेस एफ वन भी ले सकते हो। अगर बेस एफ वन ले रहे हो यानी बीटा इसको मान रहे हो तो एफ वन इंटू साइन थीटा होगा, एफ वन इंटू कॉस थीटा होगा। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हमने एंगल निकाल लिया। एफ टू तुम्हारा 180 था, ये कितना था, ये हमने निकाला पहले 180 था और ये भी 180 था, याद हो? आप देख लो, अगर आपने नोट करते हो देख लो, F1 F2 180 था। तो बस हमने इसे सॉल्व किया, 180 इंटू साइन थीटा। थीटा भाई यहाँ पर बीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा है, और थीटा कितना था? थीटा मतलब पूरा एंगल। पूरा एंगल कितना था? 120 डिग्री था। ठीक है, ये तो हम यहाँ पर बीटा निकाल रहे हैं अलग, वो तो अलग निकाल रहे, वो अलग बात है। ओवरऑल जो एंगल था 120 डिग्री था, वो ये एंगल हमें पता ही कहा, वही तो एंगल हम पता कर रहे हैं, बीटा एंगल ही तो पता कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एफ टू इंटू 120 डिग्री साइन की वैल्यू √3/2 होती है। मैंने कहा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यानी मल्टीपल जो एंगल्स है, अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि सर 120 डिग्री, हमने सर टेबल 90 डिग्री तक याद की है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इतना ही याद किया है, तो बाकी एंगल कैसे निकालने हैं? तो इसका लेक्चर मुझसे रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर लेना, तो मैं इसका लेक्चर भेज दूंगा। ठीक है, तो एफ टू 120 डिग्री हो गया साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा 120 डिग्री कितना होगा? माइनस का 1/2 होगा, कॉस 120 डिग्री माइनस का 1/2 होगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपका आ गया है टेन बीटा √3 आ गया है, टेन बीटा √3 आ गया है। कौन सा एंगल √3 होता है टेन का? कौन सा एंगल √3 के बराबर होता है? सर टेन का 60 डिग्री एंगल √3 के बराबर होता है, यानी 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 है और ये भी 60 डिग्री है क्योंकि टोटल 120 डिग्री है। सर एंगल बराबर ही आएगा, ये ज़रूरी है क्या? ये ज़रूरी है सर, ये एंगल बराबर ही आएगा क्या? बाइसेक्ट ही होगा, ये ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो सर ये बराबर क्यों आया, ऐसा इत्तेफाक क्यों हुआ? ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन है। क्यों? यहाँ पर भी 180 न्यूटन था, F2 भी 180 न्यूटन था, दोनों भी बराबर बराबर फोर्स से खींच रहे थे, इसलिए एंगल भी आधा आधा डिवाइड हो गया। अगर फोर्स बराबर ना होता, F1 कुछ और होता, F2 कुछ और होता, तो एंगल बाइसेक्ट नहीं होता, एंगल बाइसेक्ट नहीं होता। आई बस समझ, तो ये सब कॉन्सेप्ट है एक्चुअली 11 का, ये जो है ना, ये 11 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना, वेक्टर, ठीक है ना, कंपोनेंट को रिजॉल्व करना, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब किसके कॉन्सेप्ट है? क्लास 11 के कॉन्सेप्ट है, वेक्टर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ने और सीखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, कि अगर हम लोग 12th में हैं तो यार 12th में अगर पढ़ रहे तो 12th का ही कॉन्सेप्ट हम पुश करेंगे सिखाने का। अगर हम 7-8 में पहुंच जाए, है ना, सिंप्लीफाई, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, इसी में सिखाने लग गए कि यार इसको ऐसे करना है, इसका वैल्यू ये होती है, तो मेन जो फोकस है फिर हमारा कॉन्सेप्ट सीखना, कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वो हम लोग भटक जाएंगे। तो इसीलिए मैं लेक्चर में कहता हूँ सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, तो मतलब आना चाहिए, ध्यान दो, फोकस फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। नहीं सिंप्लीफिकेशन आता, लेक्चर मेरे पास बने हुए हैं, सब लेक्चर मैंने अच्छे से किए हुए हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसका लेक्चर अलग, वेक्टर का लेक्चर अलग, रिजल्टेंट कैसे निकालना है इसके लेक्चर अलग। तो ये पीसेस में सीख लो, जो जो आपको लग रही रिक्वायरमेंट, जैसे आप फंस रहे हो ये रिजल्टेंट कैसे हो रहा है, तो फौरन मुझे बोल दो, सर ये रिजल्टेंट कैसे, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे बोल दो, मैं इसका लेक्चर भेज दूंगा अलग से, एक स्पेशल लेक्चर। तो पीसेस, जो पीसेस, जहाँ पे पीसेस में आपको दिक्कत हो रही है, इस पार्ट में दिक्कत हो रही है, इस पार्ट में दिक्कत हो रही है, इस पार्ट में दिक्कत हो रही है, सबके सेपरेट स्पेशल लेक्चर बने हुए हैं, उनको अलग से सीख कर आओ, अलग से सीखो, मास्टर करके आओ। जब तुम मास्टर हो जाओगे बेसिक में, फंडामेंटल में, तो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, फिर हलवा जैसे चलेगा आपको। हाँ हाँ सर, ये तो आता है सर। हाँ, रिजल्टेंट निकालना, वो निकाल लेंगे फिर हम लोग। हाँ सर, अच्छा, वो इतना बता दिए सर, इसके बाद हम कर लेंगे, इसके बाद रिजल्टेंट कैसे निकालना है आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर ये सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आता है। ठीक, तो ये सारी कहानी सुपरपोजिशन की है, किस तरह वेक्टर के थ्रू हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं,
इसीलिए 11 में ही बोला गया है आपको कि वेक्टर बहुत ज़रूरी है, आप वेक्टर सीखना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, तो बैठो, रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर बेटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर फॉर्म है। स्क्वायर फॉर्म से मतलब एक चार्ज इधर रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ, तो इसकी सुपरपोजिशन कैसी हो रही है, एक स्क्वायर के जैसे हो रही है। ठीक है ना, और किसी पर्टिकुलर, जैसे मुझे यहाँ पर निकालना है कि बताओ यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, तो इसकी वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो हम फिर नेट फोर्स निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।